आइए। पेशेंट बहुत है थोड़ा। बताओ कौन सा सिंगर है? Just kidding. अब बताइए प्रॉब्लम क्या है? बेटा ये मेरी बहू है। ये हर सास की प्रॉब्लम है। सास की प्रॉब्लम बहू, बहू की प्रॉब्लम सास, दोनों में से किसको मारूं? वो बात नहीं है बेटा, पिछले 6 महीने से इसको ले लेके घूम रही हूँ, उसको बच्चा नहीं हो रहा है बेटा। कैसे होगा, 6 महीने से तो आप लेके घूम रही है। इनके हस्बैंड? बेटा राजू की जो पोस्टिंग है वो तो लद्दाख बॉर्डर पे। वहाँ तो भेजो बॉर्डर वाले, तो हमले की ताक में बैठे होते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ? एक्चुअली 6 महीनों से वो छुट्टियों के लिए घर पर ही है। लेकिन क्या करे, वो ना शराब बहुत पीते हैं। आप कोई ऐसी दवाई दीजिए ना जिससे उनकी शराब पीने की आदत छूट जाए बस। ओके, कौन सी शराब पीते हैं? मुफ्त की। ये जो मुफ्त की शराब होती है ना, ये बड़ी मुश्किल से छूटती है। दारू इंग्लिश पीते देसी? दोनों। ओके। अंग्रेजी ज्यादा पीता है बेटा। मैंने नंबर लिख दिया है। हाँ बेटा, आप मुझे इस पे मिस कॉल कर देना, आधी दारू तो मैं उनकी ऐसे छुड़ा दूंगा। आधी कैसे? आधी मैं पी जाऊंगा ना। मैंने कहा ना मेरी खुद की मुफ्त की नहीं छूट रही। जस्ट किडिंग। वैसे और कोई प्रॉब्लम है उनको? बेटा दारू पीने के बाद चोरी की आदत है उसको। चोरी बहुत करता है। चोरी की तो हम लोग कर देंगे, वो तो कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है। एक देखिए, ये मैंने दवाई लिख दी है मैंने। हाँ बेटा, भूलो माइसिन। वो चोरी की आदत बिल्कुल भूल जाएंगे। हाँ, और हाँ, 3 दिन तक उनको ये दवाई खिलानी है। अच्छा, अगर फर्क पड़े तो ठीक है। हाँ, नहीं तो उनको बोलना मेरे लिए एक छोटा लैपटॉप और एक ब्रेक पिन वाला चार्जर ले आए। अरे आप क्या कह रहे हैं? हाँ तो चोरी करने के बाद मेरे लिए थोड़ा सामान लेगा। वो ऐसे चोरी नहीं करते हैं, जब वो नींद में चलते हैं ना तब वो ऐसी हरकतें करते हैं। और अब चलते चलते किसी दूसरे कमरे में घुस जाए तो बच्चा कहाँ से होगा? हर आदमी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अब मेरे जो वो हस्बैंड थे, तेरे ससुर, उनको भी भूलने की आदत थी, पता है? हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। हाँ? आंख से आंसू मत बहाना, आंसू तो गंगा जल होता है। टोको ताली। लेकिन सरदार जी, जो मैं किस्सा बताने जा रही हूँ उस पर टोको ताली नहीं। उनको भूलने की आदत थी बेटा। बोल माँ। तो उनके सिर में जुए पड़ गई बेटा। आए हाय, हथौड़ा लिया जुए मारने लग गए बेटा। जुए तो नहीं मरी बेटा, खुद चल बसे। पौड़ी चढ़ गए। तो ये भूलने की बीमारी थोड़ी ना, ये तो बेवकूफ वाली बीमारी हुई ना। वो भूल गए ना, वो बेवकूफ है। कितने बच्चे आपके? ये बहू आपकी, अकेला बेटा आपका? नहीं नहीं बेटा, तीन 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 बच्चे हैं। शादी के 3 साल में ही हो गए, बैक टू बैक। अच्छा। तो आप तो कहती थी हस्बैंड को भूलने की आती है, चीज तो भूले नहीं। वो भूलते थे, मुझे तो हर पल याद रहता था ना बेटा। उन दिनों की तो बात ही कुछ और थी सरदार जी। अच्छा। मैं बहुत हॉट थी। तमका टैटू बनवाया है देखो। मेरे पेट पे अंडा फोड़ दो ना तो आमलेट बन जाता था। और अब पेट पे अंडा फोड़ो तो हाफ फ्राई भी नहीं बनता। क्या हो, क्या बता रहे हैं आप? क्या होता है आपको? अंधेरा होने के बाद बेटा मुझे दिखाई नहीं होना देना बंद हो जाता है। तो आप सुबह सुबह देख लिया करो सब कुछ जो देखना है। रात को क्या देखना होता है, आंखें बंद करके सो जाओ। अरे डॉक्टर साहब ऐसा नहीं होता है, आप इनको कोई ऐसी दवाई दीजिए जिनकी इसकी नजर ठीक हो जाए बस। ठीक है मैं आपको दवाई देता हूँ, पहले मुझे टेस्ट करना पड़ेगा इनका। मैं फेल हो जाऊंगा। ये आपको दिखाई दे रहा है? थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है कि साफ? धुंधला बेटे, ये तो तूने कह दिया, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा, वरना मुझे तो वो भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं आपको एक इंजेक्शन देता हूँ। अरे सुई, ये देखो, उससे आपका सुई, उससे आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
हाय हाय ओहो बेटा धीरे छोटा इंजेक्शन दिखा के हम बड़ा ठोकते हैं अभी देखिए अभी देखिए साफ दिखाई दिया मारी उधर देखो उधर देखो उधर देखो अरे वाह बेटा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और कोई प्रॉब्लम है आपको हाँ बेटा मेरे दांतों को बड़ी प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है ठंडा खाती हूँ तो गर्म लगता है गर्म खाती हूँ तो ठंडा लगता है ओके आपके दांतों को ऑपोजिट सेक्स की प्रॉब्लम है आप टेंशन ले आई इधर आई क्या बताया आपने आपको ठंडा लगता है हाँ गर्म किस तरफ लगता है गर्म ठंडे की तरफ लगता है बेटा आपके पेट में गुड़ू गुड़ू आता है ना बेटा ओके मैं कोई चक्कर नहीं है हाय और... पत्ता खादा पांडा नो पिन बैटरी ज्यादा इंप्रोवाइज ना करें जहर की गोली दे दूंगा मैं और कुछ तो नहीं होता दो मिनट यार अब डॉक्टर के काम में दखल मत दीजिए और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बस इतनी प्रॉब्लम है बस देखिए आप देखिए मीठा पाना मीठा बात ये है इसका इलाज मेरे पास नहीं है कहीं और से करवाइए 10,000 रुपया हो गया अब तक जो किया 10,000 क्या बेटा मैं तो लाखों लुटा दूंगी एक बार मेरी बहू को वैसा डबल सीजेरियन उस बुड्ढी जैसा बच्चा हो जाए मैं तो कहूंगी ओपन गंगम स्टाइल मेरे होते हुए तू अकेले कैसी नाच सकती है बजाओ दवाई लेने आया बधाई लेने आया आप लोग ये क्या कौन सी महामारी तुम्हारी चलिए 10,000 रुपए दे और निकलिए यहाँ से सुनिए शर्मा जी हाँ मुझे मेरी साड़ी नहीं मिल रही शर्मा जी हाँ मुझे मेरी साड़ी नहीं मिल रही पोल खुल जाती है साड़ी 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 मिल जाएगी डिलीवरी होने के बाद मिल जाएगी डिलीवरी होने के बाद अरे बकवास मत करो मुझे पार्टी के लिए लेट हो रहा है मुझे साड़ी ढूंढने में मेरी मदद करो साड़ी तो देखिए डिलीवरी के बाद ही मिलेगी तो ऐसा लग रहा है डिलीवरी यही हो जाएगी आप बैठिए उधर आप बैठिए उधर आप बैठिए दो मिनट बैठिए अरे बेटा भुला के गिनती तूने आप बैठिए एक्सक्यूज मी ये थोड़ा स्टैंडर्ड का काम होता है यहाँ पे है? हम लोग नंगे बच्चे पैदा नहीं करते ये बच्चे की साड़ी है वो नहाने गया होगा साड़ी बाहर रह गई भगवान कोई तुम ये लो अपनी साड़ी मुझे ये साड़ी नहीं चाहिए मुझे लाल वाली साड़ी चाहिए ये पूरी डिलीवरी करवा के रहेगी ऐसे कैसे डिलीवरी हो जाएगी लेबर पेन तो हो ही नहीं रहा गरम पानी ला सारा कुछ पता है तो खुद ही कर लेती डिलीवरी मेरे को क्यों बोल रही है बिट्टू पीछे ले ऑपरेशन थिएटर आप इधर नहीं बताइएगा अब कहाँ से लाऊं मैं बच्चा साड़ी तो मुझे ये पकड़ पड़ी साड़ी नहीं 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 चाहिए मुझे ये लो तफा हो जाए यहाँ से बेड़ा कर दिया अब अब दादी की सलवार भी चाहिए क्या जा निकल यहाँ से इधर से पेशेंट ना देखने तुम्हें ये अपने परिवार वाले दुश्मन हुए पड़ रहे हैं अब क्या कहें मैं उनको क्या बोलूं मैं बच्चा 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 साहब जी मेरी सैलरी दे मेरे घर से फोन आया यही है बच्चा मेरी सैलरी दे बिट्टू यही है सैलरी चाहिए तेरे को हाँ बच्चा बनना पड़ेगा या फिर टांगे कटवा दूं मैं देख हम लोग फंसे हुए हैं हमारी हेल्प कर तेरे पैसे चाहिए ना तेरे पैसे मिल जाएंगे ठीक है मुबारक हो बच्चा हुआ बेटा हो गया बेटा हो गया बेटा हो गया बेटा हो गया ना ना ना
30 साल का हुआ भी तो 40 साल बाद है ना, और मुझे तो लगा था 35 का होगा, थोड़ा टीडीएस कट गया लगता है। अरे लेकिन इतना बड़ा बच्चा पैदा कैसे हुआ? हो जाता है, कहते हैं ना कि सबर का बच्चा बड़ा होता है। भूख लगी है, भूख लगी है, इसको चाय पिलाओ। चलो चाय बना के लाओ। अरे ये क्या, चाइल्ड लेबर अभी खत्म नहीं हुआ, चाइल्ड को लेबर के लिए भेज रहे हो? तो बड़ा होगा भी तो नौकरी बनना, आजकल नौकरियां मिल कर रही हैं। जाओ चाय बना लो। अच्छा ठीक है बेटा, फिर 3 गोभी के पराठे मेरे लिए भी बना ले जा। ए चल चल पराठे वाले निकलो यहाँ से, 10,000 रुपए दो, दबा जाओ। 10,000 हम नहीं, तुम हमको देंगे। हम क्यों देंगे भाई, मेरे बेटा हुआ है। तुमको पता नहीं हम कौन है? कौन है? हम पुलिस वाले हैं, देखो हमारा कार्ड। कार्ड वार्ड कुछ नहीं, कैश चले गए इधर। दो पिस्तौल। तमंचा। You are under arrest। आवाज बदली। 10,000 रुपए दो। किस बात के 10,000 रुपए दे भाई? बुरे काम का बोलने दिया। तुमने यहाँ पर जाली शाही दवा खाना खोला हुआ है। देखिए, ये शाही दवा खाना नहीं है, ये हम सब्जी बना रहे थे शाही पनीर। तो स्पेलिंग भूल गया, गलती से दवा खाना लिखा गया, और ये तो इसलिए कि ऊपर सब्जी ना गिरे। डॉक्टर नहीं, शेफ है, शेफ। शेफ हूँ मैं। मुकर गया, मुकर गया। चलो चलो 10,000 रुपया निकालो, वरना मेरे साथ जेल चलो। नहीं जेल नहीं जा सकते हम, घर छोड़ के जेल क्यों जाएं? I'm not interested. क्यों? I'm not interested. मैं तुम्हें फिल्म ऑफर नहीं कर रहा हूँ। I'm not interested. हमारे पास 10,000 रुपए नहीं, हम कहाँ से लाएंगे 10,000 रुपया? 12,000 रुपए। रुक जा बिट्टू, रुक जा। मैं एक काम करते बिट्टू, ये ले। 14,000 रुपए। रुक जा साले, तेरी ट्रेन छूट रही है। तुम बिट्टू, ये ले बिट्टू, तेरी बुआ की शादी के लिए कुछ जेवर रखे थे, मारे हवलदार के मुंह पे। ठीक है ले जाओ ये भी। चलो भाई हम लोग जा रहे हैं। एक सेकंड। हाँ ये कौन है? लड़की है। चंगा दिखा गया। तुम्हारी स्कीम थी ना दादी, डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, दादा का काम संभालो। फेल स्कीम, फेल स्कीम। मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे दूसरी बार पैदा कर दिया। दबाओ ले यहाँ से, दबाओ ले। मुझे नहीं चाहिए। दूसरी बार पैदा कर दिया। कौन सी होता दो बार पैदा? मेरी फैमिली मेरा बेड़ा गर्क करा रही है। किटी मेरा जैकेट लेके आओ, मेहमान आते होंगे यार। बस एक तुम ही हो जिसकी वजह से देख के मुस्कुराहट रहती है चेहरे पे। इधर किटी डार्लिंग। भाजी आपको पता है? कोई बात नहीं, मैं संभाल, इतना मत किया।